कैसी है तू? तू एक दिन ना बहुत मारेगी मुझे, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ तभी याद करता हूँ ना जब मैं खुद को अकेला पाता हूँ। मतलबी टाइप हूँ ना मैं। लेकिन ये भी तो सोच कि तेरी जगह एकदम भगवान वाली है। जब कोई नहीं होता मेरे आसपास तो मैं सिर्फ तुझे याद करता हूँ, जबकि लोग सब भगवान को याद करते हैं। ऐसे में तू मेरे लिए भगवान ही तू ही ना। डियर डायरी, क्या फीलिंग है ये, कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हें तो पता है ना कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, पर दिल बहुत घबरा रहा है। एक पल में आता है कि सब छोड़ दो, मतलब मत डाल एफर्ट। कुछ हो गया फिर से दिल टूट गया तो फिर टूटेगा तो। और एक दिल में आ रहा है कि फिर से शुरुआत तो करनी ही है ना। डियर डायरी, मैं बेशक 26 साल का हूँ, लेकिन मेरा दिल भी ना आज भी एकदम टीनेज वाला है। बड़ा ही नहीं हो रहा यार, एकदम बच्चों की तरह सोचता है, बच्चों की तरह जिद करता है, बच्चों की तरह नादान वाली हरकतें करता है। बच्चों की तरह एकदम मासूम है यार, इस पागल दिल को लगता है कि सब अच्छे होते हैं। ये दिल भी ना, काश ही दिल ही ना होता तो आधी से ज्यादा चीजें तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती। डियर डायरी, एक बात बताऊं, मैं अपने दिल से बहुत प्यार करता हूँ यार, बहुत फिक्र है मुझे उसकी। हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे दुखी ना कर दे, कि फिर से कहीं वो सब चीज़ें ना हो जाए जो इसे दुख पहुँचाए, जैसे पहले हो चुका है। डियर डायरी, तुझे तो पता है ना कि मेरे साथ आजकल क्या चल रहा होता है। एक लड़की अच्छी लगती है मुझे, अभी सिर्फ अच्छी लगती है, प्यार व्यार नहीं है उससे। कहती है कि प्रॉफिट देखकर प्यार नहीं किया जाता। हाँ, मैं अग्री करता हूँ उस बात से कि प्रॉफिट देखकर प्यार नहीं किया जा सकता, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे तो तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे बात करने की, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि कहीं उसे ये ना लगने लगे कि ये चेप हो रहा है। क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा इरिटेटिंग हूँ, लेकिन मेरे जो एफर्ट्स हैं वो तुम्हारे लिए तो होंगे ना। लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज नहीं करूँगा उसे, उसका भी इंतज़ार करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं ही सिर्फ ख्याल बोल रहा हूँ और उसकी दूसरी तरफ से कोई एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम निलबट्टा सन्नाटा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकता, लेकिन ये दिल तो चाहता है ना कि कोई उसे प्यार करे। डियर डायरी, एक और बात, अभी एक शाम उसने बोला कि उसे एक लड़का पसंद है, बाय लुक्स बहुत अच्छा है, क्यूट है, अच्छा गाता है। तो उसे कैसे बताऊँ कि ये सब तो है उसमें, लेकिन लड़कियों को देखकर जो अलग नज़र होती है ना, वो भी है उसमें, जैसा आजकल के लड़कों में होता है, बिल्कुल वैसा। कैसे बताऊँ कि उतना अच्छा भी नहीं है वो, इसलिए। लेकिन पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना चाहे कितने लोगों की भी हेल्प कर लो, कितना भी आप लविंग हो जाओ, वन लविंग हो जाओ, कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने मोटापे और अपने बात के इम्प्रेसिव ना होने की वजह से मात खा जाते हैं। ये मन में कोई छल कपट ना हो ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं आता। मन में सिर्फ यही सवाल आता है कि तेरे साथ क्यों रवि, तो यहाँ बिल्कुल ठीक था ना। और मैं यहाँ सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, ये मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन ये दिल ना, इसे तसल्ली देनी पड़ती है, इसे बार बार ऑल इज वेल बोलना पड़ता है। ये दिल है ब्रो, अलग ही चरस है इसमें, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ जीता है कि सब अच्छा होगा, क्योंकि तेरे साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता ना। लेकिन सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी छल कपट करना नहीं चाहता, नहीं चाहता कि मेरी वैसी बातों से सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, नहीं चाहता कि खुद को अंधेरे में रखकर सामने वाले को फेक उजाला दिखाऊं मैं। क्या करूं मैं, ऐसा ही होना मैं पागल। पता ही नहीं कितना यकीन है खुद पर मुझे, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं है वो,
जो देख रही है सब कुछ, हंस रही है मुझ पे, और जब आएगी ना तो मज़े भी लेगी। सच बताऊँ तो चाहता हूँ कि अब वो आ जाए, जो मेरे लिए और जिसके लिए मैं बना हूँ। चलो बाय डायरी, अब रोमांटिक हो रहा हूँ मैं, अब जल्दी बात करने आऊँगा तेरे से।